कोई भी ओकेशंस हो तो केक्स तो कॉमन है ही हैं, और आज है फ्रेंडशिप डे, तो फ्रेंडशिप डे की खुशी में मैंने बनाया है रबड़ी ड्राई फ्रूट केक्स गार्निश्ड विद चॉकलेट्स। हेलो एंड वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब हम केक को सोक कर रहे हैं, क्योंकि ये रबड़ी का केक है तो मैं इसको मिल्क से सोक कर रही हूँ। मिल्क में शुगर ऑलरेडी एडेड है। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर रबड़ी का डाल रही हूँ, क्योंकि ये रबड़ी ड्राई फ्रूट केक है तो इसके लिए मैं रबड़ी का लेयर इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैंने नट्स ये कट या थोड़े ग्राइंड करके रखे हैं, काजू बादाम पिस्ता, एक इसके ऊपर लेयर नट्स का भी डाल रही हूँ। अब मैं दूसरा लेयर ले रही हूँ केक का। इसी तरह से सब लेयर्स को मैं रबड़ी से और दूध से सोक करके और रबड़ी का लेयर इसके ऊपर डालूंगी। अब फिर से इसके ऊपर मैं ये रबड़ी डाल के, रबड़ी भी होममेड है। आप मेरा रबड़ी का वीडियोस मैंने बहुत सारे वीडियोस में डाला है, फिर भी मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं नट्स स्प्रेड कर रही हूँ। अब ये जो लास्ट वाला लेयर है वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम सोक करेंगे। फुल अभी इसको साइड से भी रबड़ी हम सोक करेंगे, और रबड़ी से लगा के, रबड़ी का लेयर लगा के हम इसको ड्राई फ्रूट से, साइड में ड्राई फ्रूट से कवर कर देंगे। अब इसको पूरा मैंने रबड़ी से कवर कर दिया है। अब इसके साइड में हम ड्राई फ्रूट्स नट्स सब लगा देंगे। सिर्फ साइड में लगाएंगे, ऊपर से नहीं, पूरा ऐसा लगा के, और फिर फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के लिए रख देंगे।
अब ये पूरा साइड में इसको ड्राई फ्रूट्स लग गया है। अब मैं थोड़ी देर इसको फ्रिज में सेट करने के लिए हाफ एन आवर के लिए रख दूंगी। मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट सिरप डाला है। अब इसका मैं एक छोटा सा पॉइंट कट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं सर्कल्स ड्रॉ करूंगी। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर से अंदर की तरफ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर टिश्यू से हमको पोंछने का है, फिर दूसरे साइड से भी हम ऐसे करेंगे। फोर पार्ट्स ऐसे हो गए। अब एट पार्ट्स करेंगे। सब ये एट पार्ट्स हमने बाहर से अंदर की तरफ किया है। देखिए कितना सुंदर फ्लावर दिख रहा है। अब हम इनके बीच में अंदर से बाहर की तरफ करेंगे। यस, रेडी हो गया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बीच में चॉकलेट और रबड़ी का मिक्सचर से बन गया।